हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो सर जैसे कि हम भी स्टूडेंट है तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि मतलब एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे शिक्षा लेना चाहिए कि वो जीवन भर सफल रहे, सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा स्कोर कर सके मार्क्स, जिंदगी में सफल हो सके। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ा रहे हैं तो मेरा तजुर्बा ये है कि सबसे पहले बच्चे तीन चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है उसके अंदर जो होना चाहिए 3T का प्रयोग जब वो करेगा। 3T का मतलब होता है कि उसके पास टाइम पावर, टेक्निक पावर और टैलेंटेड पावर। अगर ये तीनों चीज़ होगा तब जा कर के वो बच्चा सक्सेस हो सकता है। सबसे पहले अगर आपको सक्सेस होना है तो इसका एक ही नतीजा है कि आपको समय का कदर करना होगा, क्योंकि घड़ी की सुई हमेशा चलती रहती है, उसके साथ आपको चलना होगा तब जा कर के आप कामयाब हो सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए आप तड़पते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूं तो मतलब मेरा ज़िंदगी संवर जाएगा, आप एक अपने आप को इतना काबिल बन जाइए कि वो आपके साथ ही एक सेल्फी खिंचवाने के लिए तरस जाए, आपके साथ ही वो रहने के लिए तरस जाए। इसलिए आपको काबिल बनना है, कामयाब बनना है तो सबसे पहले आपको समय का कदर करना होगा। और दूसरी बात, ये बात कही जाती है कि माइंड को कंसेंट्रेट रखना होगा। कंसेंट्रेट का मतलब हुआ कि याद रखिए अर्जुन की वह बात जब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है। अब ये नहीं कि आपको जाना है गोपालगंज और गाड़ी पकड़ लीजिएगा रक्सौल का तो गोपालगंज थोड़ी चल लीजिएगा। आपको जहाँ जाना है उस पथ पे, आपको उस राह पे चलना होगा तब जा कर के आपको कामयाबी मिलेगी। और जब आपको टाइम पावर, टेक्निक पावर, टैलेंटेड पावर, जब ये तीनों चीज़ें हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगा मैन पावर, मनी पावर, मसल्स पावर। आप मतलब हम लोग एक बात भी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है और अपने कामों में व्यस्त है वो अपने ज़िंदगी में मस्त है, यानी स्वस्थ स्क्वायर प्लस व्यस्त स्क्वायर इजकल टू मस्त स्क्वायर, ये हम लोग कहते हैं। इसलिए अपने काम से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप स्वच्छ रहिए, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही मतलब स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। इसलिए आदमी को स्वच्छ साफ सुथरा रहना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितनों भी आप पैसा कमा लीजिएगा तो बस डॉक्टर का फीस, दवा का दाम लेकर के और पेट भर खाना है और कब्रिस्तान में जाना है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऐसे ऐसे लोग जब मतलब कि कब्रिस्तान या शमशान घाट में चले गए तो हम जैसे लोग किस गली में। आप जितना भी कमाइए, जितना भी आगे बढ़िए, लेकिन आप अपने बुजुर्गों से बड़ा नहीं हो सकते हैं, आप अपने माता पिता गुरुओं का ख्याल रखिए, इनसे आप बड़ा नहीं हो सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, मैंने ऊपर वाले को मत भूलिए, क्योंकि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपका इरादा पक्का होना चाहिए, कोशिश पूरा होना चाहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। और लास्ट में, कोई भी व्यक्ति अपने आप से कमज़ोर नहीं है, हर आदमी शुरू में गरीब होता है लेकिन मेहनत करके वो आगे बढ़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तस्लीम की जालिम की जफा भी है कोई चीज़, तस्लीम की जालिम की जफा भी है कोई चीज़, सब झुक कर बैठ गए हैं कि खुदा भी है कोई चीज़। गरीबों के सियाद खानों में हजारों चराग जलते हैं, उन्हीं चरागों की झुलमिलाहट में हजारों इनकलाब पलते हैं। थैंक यू सो मच साबिर अली, आप एक काफ़ी आदर्श स्टूडेंट हैं और आपकी मुस्कान काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मुस्कुराहट है चेहरे पर, काफ़ी ग्लैमर है, मोहिनी या जादू टोना है आपके अंदर आकर्षित है। आपका बिहेव, आपका व्यवहार से मैं बहुत आकर्षित हूँ और ख़ास करके ऐसे लोगों को देश की ज़रूरत है, इस राज्य की ज़रूरत है, इस चंपारण को ज़रूरत है। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बहुत ही पावन धरती है, परम भूमि है महात्मा गांधी की, इसलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहे हैं। और मतलब महात्मा गांधी को मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े बुजुर्ग उनको कहा जा सकता है, फादर ऑफ इंडिया हैं, फादर ऑफ नेशन हैं, राष्ट्रपिता हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।